टीम पाकिस्तान की बिल्कुल नई खतरनाक ओपनिंग जोड़ी को देखकर अफगानिस्तान टीम के छूटे पसीने। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से पहले अफगानिस्तान के खेमे में ओपनिंग जोड़ी को लेकर मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली इस टी20 सीरीज में कैसी है पाकिस्तान की बिल्कुल नई ओपनिंग जोड़ी, साथ ही कैसे छूटे अफगानिस्तान टीम के पसीने, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में PSL समाप्त होने के बाद अब पाकिस्तान टीम अपनी तैयारियों में जुट गई है। पाकिस्तान की टीम को अब अफगानिस्तान के साथ टी20 सीरीज में भिड़ना है, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान को हराने के लिए अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुल 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच UAE के शाहजहां के मैदान पर 3 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। इस एक ही मैदान पर दोनों टीमें 3 टी20 मुकाबले में भिड़ेगी, जहां पर इस टी20 सीरीज की शुरुआत शुक्रवार 24 मार्च से होने जा रही है। इस बार पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी नहीं हैं, उन्हें इस टी20 सीरीज से आराम दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम बिल्कुल नई ओपनिंग जोड़ी के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरने वाली है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ इस टी20 सीरीज में पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद हारिस और सईम अयूब पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ये दोनों ही खिलाड़ी फिलहाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और PSL में इन दोनों ने गदर मचाया था। इस सलामी जोड़ी को देखकर अब अफगानिस्तान की टीम भी काफी सदमे में नजर रही है। पाकिस्तान के खेमे में अब खलबली मच गई है। अफगानिस्तान के धाकड़ खिलाड़ी राशिद खान भी इस ओपनिंग जोड़ी को लेकर काफी डरे हुए नजर आए हैं, क्योंकि राशिद खान बखूबी जानते हैं कि ये दोनों ही खिलाड़ी कितने विस्फोटक हैं। राशिद खान के लिए इन बल्लेबाजों को आउट करना आसान नहीं रहने वाला है। ऐसे में राशिद खान बखूबी जानते हैं कि मोहम्मद हारिस और सईम अयूब अगर अपनी लय में होंगे तो वो अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।